अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली काफ़ी देर के बाद मेरा व्लॉग आया है, और एक्चुअली मैं बिजी था काफ़ी दिनों से, तो आज टाइम मिला तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाता हूँ और अपनी न्यू LED जो मैंने ली है उसकी अनबॉक्सिंग भी करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो मैंने जो है आज एक न्यू LED TV ली है और आपको दिखाता हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ और किस कंपनी के वो भी दिखाता हूँ। लेट्स सी, आओ आपको दिखाते हैं, चेक करवाता हूँ। सो ये पड़ी हुई है मेरी LCD Hisense की 4K अल्ट्रा HD गूगल TV। ये न्यू मॉडल आया है, पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है रिसेंटली, तो मैंने परचेज़ किया है 55 इंच का। तो देखते हैं इसकी कैसा है, चला कर देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या इसमें है, साथ मिलती हैं चीज़ें और इसकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं। सुनिए, तो मैंने सर्च काफ़ी की थी और देखी थी नेट पर भी, इसकी फ़ीचर्स काफ़ी थी अच्छी थी मुझे, जो बाकी टीवी से अच्छी लगी, क्योंकि गूगल टीवी एंड्रॉयड नहीं है, ये एक सबसे बड़ी इसकी मेन फ़ीचर है, ये गूगल टीवी है, एंड्रॉयड नहीं है। चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। लेट्स सी। सो ये उसका बॉक्स है जो आपको नज़र आ रहा है, 4K अल्ट्रा HD A6 सीरीज 55 इंच Hisense गूगल TV। सो ये है जी गूगल TV 55 इंच का, देखने में तो अच्छा लग रहा है, अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कैसा है। ये इसके जो मेन फ्रंट पे जो पिक बनी हुई है, इसी तरह का इसका इंटरफेस है कुछ ना गूगल TV का, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, डॉल्बी बिल्टिन है, डॉल्बी, उसके बाद ब्लूटूथ, क्रोमकास्ट, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्राइम, ये जो है बिल्टिन फीचर्स हैं इसमें। इसमें एक और बड़ी डिफरेंट अच्छी फीचर वो ये है कि इसमें रिमोट फाइंडर भी है, मतलब अगर आपका रिमोट घूम जाता है तो आपको मतलब नहीं मिल रहा, तो इसमें वो ऑप्शन भी है रिमोट फाइंडर का, ये LCD में भी है। और ये फिश और ये जो LCD है, ये फीफा वर्ल्ड कप जो कतर 2022 होना है उसका ऑफिशियल पार्टनर है। ये देखें उसका साइड पे उन्होंने स्पेशली लिखा भी हुआ है और स्टैम्प भी लगी हुई है इसकी ना, और ये मेंशन है इसमें स्पेशली। और ये है A6 सीरीज जो लेटेस्ट 2022 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। चले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें इन्होंने मुझे जो है ना ये सेपरेट इसका जो ये वॉल माउंटिंग होता है, मतलब जो वॉल पर लगाने के लिए LCD के लिए चाहिए होता है, तो वो सेपरेट फ्रेम दिया है, मतलब तो पता नहीं इसके साथ आता नहीं आता, उन्होंने कहा था कि इसके साथ नहीं आ रहा, तो सेपरेट आपको हम दे रहे हैं, तो बॉक्स में नहीं था, उन्होंने ये सेपरेट मुझे दिया है। इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये करते हैं तो फर्स्ट जो इसमें ये जो प्रोटेक्शन फोम लगा होता है, इसमें इन्होंने दिए हुए हैं फ्रेम, ये स्टैंडिंग फ्रेम है जो इसमें दो दिए हुए, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, ब्लैक कलर में मैट फिनिशिंग में। इसमें अब ये सामने LCD पड़ी हुई है, सामने प्रोटेक्शन कार्ड पड़ा हुआ है जो इसकी फ्रंट से प्रोटेक्शन करता है। ये पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त की हुई है इन्होंने, फिर से ओपन करके देखते हैं। ये था फ्रंट इंजन एक्सेसरीज अबव। ओके, इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसके बाद इसमें अब मुझे इसके लिए भाई कैमरामैन की हेल्प की ज़रूरत है, सो कैमरामैन आ जाओ जी। प्रॉपर अभी इसका कवर ऊपर लगा हुआ है, ये इसे उतारते हैं। कंट्रोल और इसका यूजर मैनुअल सबसे पहले तो ये देखते हैं, बड़ा स्टिकी था यार। ये मैनुअल दिया हुआ है, मैनुअल को ये इसका रिमोट है, रिमोट आगे दिखाना, ये इसका रिमोट है Hisense का ना, अच्छी क्वालिटी का, मतलब डिफरेंट TCL वगैरह का इससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। इसमें जो है बिल्ट इन ऑप्शंस जो है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब म्यूज़िक, प्राइम वीडियो, गूगल प्ले, वॉइस कंट्रोल और रिमोट फाइंडर के ऑप्शन है इसमें। और ये इसके साथ कुछ ये पावर केबल दी गई है, और ये इसका ये भी वारंटी कार्ड है इसका, इसकी वारंटी है 2+2 ईयर पैनल की है और 2 ईयर पार्ट्स की है, और साथ इसके ये बैटरीज और ये स्क्रूज दिए हुए हैं। चलो इनको हम बाद में देखते हैं, इसको पहले इसका मैं थोड़ा उतारता हूँ। सो इसको मैं स्टैंड फिक्स करते हैं, स्टैंड फिक्स करके इसके बाद जो है आपको दिखाता हूँ बनाकर। ये कुछ स्क्रूज दिए हुए इन्होंने, इसी के साथ फिक्सिंग हो गई इसके, ये 4 स्क्रूज हैं, ये भी लगा रहे हैं। ये ऊपर उन्होंने एक प्रोटेक्शन पेपर लगाया हुआ है, तो ये फिलहाल मैं नहीं उतार रहा, ये अभी लगा रहने देता हूँ इसे, पहले इसे चलाकर देखते हैं। सो इसमें बैटरीज मैंने पुट कर ली है रिमोट में, तो ये देखें इसका रिमोट का, मतलब ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा है नीचे से, ओवरऑल ठीक है, अच्छा है, यूज़ करते हैं, स्टार्ट करता हूँ इसे। वाओ, ब्यूटीफुल। ये
इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, एशिया पैसिफिक, पाकिस्तान, पाकिस्तान का ऑप्शन सर्च करते हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान, ये जी सेट है गूगल टी वी, सेट है बेसिक्स, सर्च है गूगल टी वी, सेट। सो फाइनली मैंने सेटिंग कर ली है और काफ़ी मतलब न्यू अकाउंट इसका मैंने अपना सेपरेट बनाया है जीमेल का, तो अभी जो इनकी ऐप्स इंस्टॉल हो रही हैं और वो 16% 18% हो गई हैं, उसी का वेट कर रहा हूँ। तो तब तक मैं आपको इसकी फीचर्स का बताता हूँ। ये हाईसेंस गूगल टी वी 4K अल्ट्रा एच डी A6 55 inch है, तो ये मॉडल A6H है, ये 22 में लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में, और इसमें रिफ्रेश रेट जो 60Hz का है, और वीडियो फॉर्मेट जो है वो सारे MP4 AVIA KM एक्सेप्टेबल है, और ऑडियो जो है इसमें Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम है, और कनेक्टिविटी जो है इसमें 2 USB पोर्ट्स हैं, 3 HDMI पोर्ट्स हैं, और पावर सप्लाई जो है इसमें 230W है, और इसमें जो रिमोट कंट्रोल है वो जो है इसमें वॉइस कंट्रोल के साथ है, और रिमोट फाइंडर का ऑप्शन भी है इसमें, और जो इसमें क्रोमकास्ट का भी ऑप्शन जो बिल्ट इन होता है वो है इसमें। सो ये इसकी फीचर्स हैं कुछ, तो ये है गूगल टी वी। चले मैं इसको, अब मैंने इसका सेटअप कर लिया है, तो आपको इसका मैं डिस्प्ले भी चेक करवाता हूँ, इसका इंटरफेस कैसा है। अरे इसमें ये सर्चिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, बस ठीक है। तो ये इसका फाइनली रिजल्ट है, रिजल्ट तो बहुत ज़बरदस्त है यार, तो अभी ये चेक किया मैंने, ज़बरदस्त, ओके फिट है। चले अब इसे यूज़ करके देखें तो पता चलेगा मज़ीद की ऐप।